झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सूबे की चंपई सोरेन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की चंपई सरकार भी लूट में लगी हुई है, सिर्फ चेहरा बदल गया है। उन्होंने कहा कि एक सीएम अंदर गए तो दूसरे सीएम चंपई सोरेन भी उसी रंग ढंग में ढल गए हैं, और यदि चंपई सरकार भी नहीं सुधरी तो उनका भी वही हाल होगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजना अभी बाकी है, पर चुनाव से पूर्व झारखंड में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। सियासत की बिसात पर शय और मात का खेल शुरू हो चुका है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य की चंपई सरकार पर हमला बोला। मिलन समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा, तो कई की घर वापसी भी हुई, जिसमें मुख्य रूप से विश्वनाथ राय, सीताराम पाठक, मनोज मंडल एवं अन्य शामिल हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीते 4 वर्षों में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बालू, पत्थर, कोयला और जमीन को लूटा और पैसे को तिजोरी में भरा। नतीजा यह हुआ कि हेमंत पकड़े गए और होटवार जेल चले गए। उन्होंने कहा कि दूसरे सीएम चंपई सोरेन भी वही धंधा कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि नया सीएम है तो कुछ नया करेंगे, लेकिन अब वह आवास के नाम पर चंपई सरकार चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। अबू आवास के नाम पर पैसों की वसूली हो रही है। कहा कि राज्य में सरकार में बैठे लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं। नेता अफसर से वसूल रहे हैं और अफसर जनता से वसूल रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है और सब पैसे वसूलने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 12 सीटें जीती थी और इस बार सभी 14 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी। काम तो नहीं किया लेकिन कमाने में लग गए। पूरे 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने इस झारखंड की नदी को, बालू को भी सब बाहर बेच दिया और उस पैसे को अपना तिजोरी में भरा। और इसीलिए आज आप देखते होंगे इस राज्य के अंदर में हेमंत सोरेन जी इतना लूटा, बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा और जितना भी खनिज है, यहाँ तक कि जमीन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ, आज हेमंत सोरेन पकड़े गए तो हटवार जेल में चले गए। अब दूसरा आ गया है, वो भी वही धंधा सुनते कर रहा है। चंपई सोरेन जी आ गए मुख्यमंत्री बन करके। हम लोग सोच रहे थे कि नया मुख्यमंत्री आए कुछ नया करेगा, लेकिन ये जो आबो आवास के नाम पर चुनाव के लिए पैसा वसूली में ये भी लग गए। बात सही है कि नहीं बताइए? आबो आवास में भी 20,000-25,000 तक, आप बताइए गरीब लोग कहाँ से पैसा देंगे? पैसा तो पैसे वाले देंगे, और जिसके पास पैसा होगा उनको अगर आवास मिलेगा तो फिर जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है उनको तो आवास मिलेगा ही नहीं। तो आज ये जो आबुआ आवास के नाम पर चुनाव के समय वो एक प्रकार से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, आज जो इस राज्य के सरकार में जो लोग बैठे हुए सिर्फ लूटने के लिए लोग बैठे हुए, अपना तिजोरी को ये सारे लोग भर रहे हैं। अभी जितना ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें भी पैसा वसूल रहे हैं, अफसरों से पैसा वसूल रहे हैं, और अफसर यहाँ के जनता से पैसा वसूल रही है, चाहे ब्लॉक के सीओ हो, पीडीओ हो, चंचल के सीओ हो, या ब्लॉक के वीडियो हो, या कर्मचारी हो, या सिपाही हो, दरोगा हो, सब लोग खाली पैसा कमाने में लगे हुए। अगर उन सारे लोगों से आज बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा करते हो, बोला कि सर ऊपर देना पड़ता है, ऊपर पहुंचाना पड़ता है, पैसा दे करके हम सब लोग आ रहे हैं। तो आज इस राज्य की ये हालत है, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहूंगा, ये सबसे पहले ये लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में हमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है, और उसके बाद 2000